अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज की हमारी रिएक्शन वीडियो है शिर्क किसे कहते हैं बाय सुमैया अल फुरकान फाउंडेशन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिटेल में कि शिर्क किसे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक है शिर्क। शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी माफी नहीं हो सकती। शिर्क का मतलब होता है शरीक करना, पार्टनर बनाना, बराबर समझना। शरीक करना कैसे? देखिए, अल्लाह की ज़ात, सिफात और अल्लाह की इबादत में किसी जानदार या फिर बेजान, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा हो, ऐसी मखलूक को अल्लाह के बराबर समझना या शरीक करना, ये है शिर्क। अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की सिफात और अल्लाह की इबादत में। अब अल्लाह की ज़ात क्या है? अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह ज़िंदगी देने वाला, अल्लाह मौत देने वाला, अल्लाह रिज़्क देने वाला। अगर कोई बोले कि फ़ला मखलूक, फ़ला जानदार, फ़ला मुर्दा, फ़ला जिंदा, वो भी है, वो भी ज़िंदगी देते, वो भी मौत देते हैं, वो भी रिज़्क देते हैं, अगर ऐसा कोई बोले, अगर ऐसा कोई समझे, तो ये शिर्क हो गया। तो अल्लाह की ज़ात में और इसी तरह अल्लाह की सिफात में, जैसे कि अल्लाह के नाम और सिफात हैं, जैसे अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, तो ये जो अल्लाह की सिफतें हैं, अगर उसमें कोई बोले कि फ़ला भी है जो अल्लाह जैसा रहम करता वो भी वैसा रहम करता, अल्लाह जैसा है वो भी वैसा है, अल्लाह जैसा देखता वो भी वैसा देखता, अगर कोई ऐसा बोले, ऐसा कोई समझे, तो ये शिर्क है। तो अल्लाह की इबादत में, जैसे हम अल्लाह की इबादत करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, रुकू अल्लाह के लिए करते हैं, सजदा अल्लाह के लिए करते हैं, कुर्बानी अल्लाह के लिए देते हैं, तो ये जो इबादतें हैं, हम अगर ये किसी और के लिए भी करते हैं, चाहे वो जिंदा हो, मुर्दा हो, जानदार हो, बेजान हो, कोई भी मखलूक हो, अगर हम ये सब इबादतें उसके लिए भी करते हैं, तो समझो फिर ये शिर्क है। अल्लाह सुबहान व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह नहल आयत नंबर 36 में, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि लोगों सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तमाम माबूदों से बचो। अल्लाह ताला का हुक्म क्या है? हर रसूल को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा, इसलिए भेजा कि एक अल्लाह की इबादत करो। असल पैगाम यह है, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तमाम माबूदों से बचो, यानी अल्लाह का पार्टनर बनाने, अल्लाह के साथ शिर्क करने से बचो। ये हर नबी की दावत थी। जितने अंबिया इस दुनिया में, हर नबी ने अपनी कौम को सबसे पहले यही दावत दिए कि एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ शिर्क मत करो। तो शिर्क करने से क्या होता है? देखिए, शिर्क करने के दो बड़े नुकसान थे। पहला नुकसान, अल्लाह सुबहान व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह मायदा आयत नंबर 72 में, यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है, अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर देते हैं और उसका ठिकाना जहन्नुम ही है। दूसरा नुकसान, अल्लाह सुबहान व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह जुमर आयत नंबर 65 में, इस आयत में अल्लाह ताला नबी से कह रहे हैं, यकीनन तेरी तरफ भी और तुझसे पहले के तमाम नबियों की तरफ भी वही की गई है, अगर तूने शिर्क किया तो बिलाशुबा तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा और भी यकीन तू ज़ियाकारों में, नुकसान उठाने वालों में हो जाएगा। और इसी तरह हम किसी को शिर्क करने से रोकते हैं, उन्हें अल्लाह के सिवा किसी और के पास जाने से रोकते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्यों जा रहे आप लोग अल्लाह से नहीं मांग कर किसी और से मांगने, तो वो लोग कहते हैं हम वहाँ औलाद मांगने जा रहे। अल्लाह सुबहान व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह शूरा आयत नंबर 49 और 50 में, आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह के लिए है, वो जिसे चाहता है बेटी देता है, जिसे चाहता है बेटा देता है, और जिसे चाहता है बेटा और बेटी दोनों देता है, और जिसे चाहे बांच कर देता है। सूरह शूरा आयत नंबर 49 और 50 के मुताबिक हमें इस आयत से मालूम होता है, हमें इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह के अलावा कोई औलाद नहीं दे सकता, औलाद का देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह है।
और इसी तरह हम किसी और से भी पूछें कि क्यों जा रहे हैं आप लोग अल्लाह से नहीं मांगकर किसी और से मांगने, तो वो लोग हमें कहते हैं हम वहाँ मुसीबतें परेशानियाँ दूर होना बोलकर जा रही। अल्लाह सुबहान व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह यूनुस आयत नंबर 107 में, अगर अल्लाह तुमको कोई तकलीफ पहुँचाए तो अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारी तकलीफ को दूर करने वाला नहीं, और अगर अल्लाह तुम्हें कोई खैर पहुँचाना चाहे तो अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारी खुशियों को हटाने वाला नहीं। सूरह यूनुस आयत नंबर 107 के मुताबिक हमें इस आयत से मालूम होता है, हमें इस आयत से पता चलता है कि मुसीबतों का देने वाला अल्लाह, परेशानियों का देने वाला अल्लाह, अल्लाह जिसे चाहे तकलीफ पहुंचाए, किसे चाहे खैर पहुंचाए, अल्लाह के सिवा कोई मुसीबतों परेशानियों को दूर करने वाला नहीं। और इसी तरह हम किसी और से भी पूछे कि क्यों जा रहे हैं आप लोग अल्लाह से नहीं मांग कर किसी और से और के पास, तो वो लोग कहते हैं हम गुनहगार होंगे, अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता ना, इसलिए हम वहाँ जा रहे, वो हमारी बात अल्लाह तक पहुँचाते। अल्लाह सुबहान व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह आराफ आयत नंबर 16 और 17 में, इस आयत में शैतान कह रहा है अल्लाह तआला से, आप मुझे जन्नत से निकाल रहे हैं ना, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपके बंदों को भटकाने के लिए आपकी सीधी राह पर बैठूँगा और इन पर हमला करूँगा, इनके सामने से, इनके पीछे से, इनके दाएं जानिब से और इनके बाएं जानिब से, और आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएंगे। सूरह आराफ आयत नंबर 16 और 17 के मुताबिक हमें इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला शैतान की बात सुने तो क्या समझ में आई बात, इस दुनिया में कितना भी गुनहगार क्यों ना हो अल्लाह ताला हर इंसान की बात सुनते हैं, चाहे वो कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन कबूल करना नहीं करना ये अल्लाह की मर्जी है। और आज हमारे माशरे में शिर्क होने वाले किस्में देखते हैं। पहली चीज़ अल्लाह के अलावा किसी दूसरों को मदद के लिए पुकारना, जैसे कि या अली, या ख्वाजा गरीब नवाज, या गौसे पाक, तो ये पुकारना उनको मदद के लिए, उनके लिए उनसे मदद मांगना, ये शिर्क है। इसी तरह दूसरी चीज़ धागे, नींबू, नारियल, तावीज़, ये तमाम चीज़ों का लटकाना, बांधना, चिपकाना, धोना, पीना, जलाना, काटना, ये सब शिर्क है। और इसी तरह एक हदीस में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने तावीज़ पहनी उसने शिर्क किया। इसी तरह तीसरी चीज़ दरगाहों के पास जाना, पंजे, घोड़े, ताजिए पर जाना, मांगना, चढ़ावे चढ़ाना, तवाफ करना, ये सब शिर्क है। इसी तरह चौथी चीज़ बदशुकोनी देना शिर्क है। इसी तरह पांचवी चीज़ सूरज, चांद, सितारे, दिन रात के आने जाने में तासीर है। अमावस और पुन्नम के दिन को बुरा भला समझना शिर्क है। इसी तरह छठवीं चीज़ गैब की बातें मालूम करने के लिए जाना, फाल खोलना, कल क्या होता कि मालूम करवाना शिर्क है। इसी तरह सातवीं चीज़ गैर मुस्लिम के त्यौहार मनाना, जैसे कि होली, दिवाली, क्रिसमस वगैरह, ये शिर्क है। इसी तरह आठवीं चीज़ तीन नंबर को भला बुरा समझना शिर्क है। इसी तरह नौवीं चीज़ जादू करना और जादू करवाना शिर्क है। इसी तरह दसवीं चीज़ मुर्गे अंडे वारना शिर्क है। देखिए ना माँ और बहनों, आज हम इन तमाम चीज़ों को शिर्क ही नहीं समझते, अगर गौर से देखा जाए तो ये सब शिर्क है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको शिर्क से बचाए, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाला बनाए, हमारा ईमान सिर्फ अल्लाह पर हो, हमारी ज़िंदगी दीन के मुताबिक चले, हमारा खातिमा ईमान पर हो, और अल्लाह हम सबको जहन्नुम से बचाए। वाखिर दावाना अनिल। आई वॉज थिंकिंग कि शिर्क सिर्फ नॉन मुस्लिम लोगों को बोला जाता है, बिकॉज नॉन मुस्लिम लोग ही हैं जो अल्लाह के अलावा बाकी सब भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की करते हैं, बट नहीं,
जो चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हैं उसके हिसाब से मुस्लिम लोग भी शिर्क हो सकते हैं अगर वो सारी जो भी उन्हें गाइडलाइंस दी गई हैं उनको प्रॉपरली फुलफिल नहीं करते। जैसे कि अगर वो दरगाह पे जाते हैं या किसी कब्र पे जाते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ मांगते हैं, तो वो लोग भी शिर्क ही कहलाएंगे। और इसके अलावा जादू करना या फिर वो तावीज़ वगैरह पहनना, बट मैंने देखा है काफ़ी मौलवी होते हैं जो तावीज़ वगैरह देते हैं और लोगों ने पहने होते हैं। मुस्लिम लोगों ने भी यहाँ पर भी तावीज़ पहना होता है, ग्रीन कलर के कपड़े में ब्लैक कलर का स्ट्रिंग होता है जिसको गले में भी पहन के रखते हैं, तो यहाँ पे लॉकेट टाइप में वो ग्रीन कलर का दिखता है। और यहाँ भी ब्लैक या ग्रीन कलर का मोस्टली मैंने देखा है, या कभी कभी कॉपर की कुछ ऐसी छोटा सा बॉक्स टाइप होता है, टाइनी सी बॉक्स होती है कॉपर की, उसके अंदर भी तावीज़ डाल के कई मौलवी लोग देते हैं, या मौलवी ही होते हैं वो लोग जो कुछ कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में वो तावीज़ बना के दे देते हैं। अगर YouTube पर भी हम देखें तो वहाँ पर कई ऐसे मौलवी हैं जो लोग कुछ कुछ तो बताते हैं कि आप इसको पढ़ो, अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम है इस ये वाला मंत्र पढ़ो, उसके बाद में एक कागज़ लो, कागज़ के ऊपर ऐसे ऐसे बॉक्सेस बनाओ, बॉक्सेस बनाने के बाद में उनमें कोई कोई नंबर फिल करो, या कुछ उर्दू में कुछ वो लिखने के लिए बताते हैं कि ये सब आप लिखोगे तो आपकी ये वाली विश पूरी होगी, ऐसा लिखोगे तो ये होगा, इसको पानी में घोल के पी लोगे तो ये होगा, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें लोग बताते हैं। तो ये अगर वो लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं और वो ये सब करते हैं, तावीज़ वगैरह बनाते हैं, पहनते हैं या किसी को देते हैं, तो वो भी शिर्क ही कहलाता है। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, आई वाज थिंकिंग कि सिर्फ जो नॉन मुस्लिम लोग होते हैं उनके लिए शिर्क वर्ड यूज़ किया जाता है, बिकॉज वो ही एकमात्र ऐसे लोग होते हैं जो अल्लाह के अलावा बाकी भगवान की, देवी देवता की, गॉड वगैरह की पूजा करते हैं। तो लेकिन मुस्लिम लोगों में भी शिर्क करते हैं लोग, ये नहीं पता था मुझे। तो लेकिन जब ये कुरान में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है आयतों में कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी, तो आई एम सरप्राइज कि फिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। यही तो एक प्रॉब्लम होती है, तभी तो कई लोग बोलते हैं ना कि मतलब जो नबी की उम्मत है वो अभी भी उनके बताए हुए रास्ते पे या जो कुरान ने बताए हैं चीज़ें उन सबको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम तो है, बल्कि बट लोगों को नहीं करना चाहिए। जब बहुत क्लियरली बताया गया है कि आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी, तो क्यों करते हैं, नहीं करनी चाहिए ना। बिकॉज उन लोगों को तो डूज एंड डोंट्स चाइल्डहुड से ही बताया जाता है, तो एटलीस्ट बड़े होने के बाद में उन्हें ये चीज़ तो नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी लोग करते हैं। हर इंसान की, जैसे इन्होंने वीडियो में भी मेंशन किया था कि क्या होता है कि कई बार लोग ये सोच लेते हैं कि शायद हमारा रब, हमारे खुदा हमसे नाराज़ हैं और वो हमारी जो भी विश है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो मजार में जाके या दरगाह पे जाके वहाँ पे सजदा करना शुरू कर देते हैं, चादर चढ़ाते हैं और वहाँ पे धागे वगैरह बांधते हैं, जो वॉल बनी होती है उसमें जाके धागे भी बांधते हैं। तो ये तो होता है, बिकॉज़ कभी कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है, उसे लगता है कि अगर मेरी विश यहाँ पे पूरी नहीं हो रही तो शायद कहीं और कोई और मेरी बात सुन लेगा, तो मजबूरी में भी कभी कभी लोग ऐसा कर लेते हैं। बट देने वाला तो वो एक रब ही है, उसी ने सब कुछ देना है, अगर वो नहीं देना चाहता तो कोई भी नहीं दे सकता आपको। तो ये चीज़ समझनी चाहिए इंसान को, और बस और तो क्या ही बोले। और आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं जी, बाय।